ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 9 जुलाई 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। अंदर माना अपने मन में झांक कर देखो, दिल में झांक कर देखो कि बाबा के साथ सच्चे हैं या बस बाहरी रूप से श्रीमत पर चलते हैं, पर अंदर है ना सूक्ष्म में अवज्ञाएं करते हैं। तो बाबा कहते हैं, अंदर बाहर दोनों तरह से सच्चा होकर सच्चे बाप के साथ चलो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो, लेकिन बनेंगे हम ही, जैसे बाबा ने उस दिन भी कहा ना संडे की वाणी में कि तुम्हें ही बनना है, लेकिन बाबा कहते इशारा देता हूँ कि जल्दी बनो। तो बाबा कहते सच्चाई की विधि से ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनो। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने वह धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? तो उत्तर है, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है माना जो आत्माएं आदि से सूर्यवंशी घराने में आई हैं, वो आत्माएं जब द्वापर युग में आती तो भक्ति भी शुरू से उन्होंने की, और फिर भक्ति का फल है ज्ञान, तो ज्ञान की धारणा भी उन्हीं आत्माओं को बच्चों को होती। ऊंच पद भी वही पाएंगे, क्योंकि जो इस समय जितना बनेगा वैसा पद पाएगा। तुम बच्चों से कोई कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता है ना, क्योंकि बेहद के ज्ञान के आधार से हमें मालूम है कि हमने तो पूरे 63 जन्म भक्ति की शास्त्र पढ़े। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसीलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। फिर उनको समझाओ कि भक्ति क्यों करते हैं, तो जिस फल के लिए करते हैं वो फल ज्ञान है, और वो ज्ञान सागर बाप आकर हमें फल दे रहे हैं, इसीलिए अब हमें भक्ति की दरकार नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, है ना, सब अपने बेहद बच्चे स्वरूप में स्थित हो जाए, आत्मा स्वरूप में। और मुरली कौन सुना रहे? बेहद का बाप, सभी आत्माओं का बाप, सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कोई एक या दो के लिए मुरली नहीं चलाते, बाबा तो सब बच्चों के लिए मुरली चलाते हैं, क्योंकि बाबा तो सर्व की सद्गति करने आए हैं। फिर बच्चे सुनते जानते चलते नंबरवार है ना। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे, क्योंकि सभी आत्माओं के अपने अपने शरीर हैं, शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। शरीर आत्मा शरीर की आँखों के द्वारा देखती है, भल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि बाबा तो चले जाएंगे वानप्रस्थ में घर, जैसे ही स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी बाबा सब बच्चों को लेकर चले जाएंगे, फिर बच्चे आएंगे स्वर्ग में पाठ बजाने, बाबा तो नहीं आएंगे। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं, है ना, स्वर्ग भी वही देखेंगे जो कल्प कल्प स्वर्ग देखते हैं। तुमको पढ़ा कर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ। बाबा सिर्फ एक ही शरीर संगम युग में लेते, वो भी लोन पर, ब्रह्मा बाबा का शरीर, और बिना शरीर के तो आत्मा देख नहीं सकते। तो बाबा सिर्फ किसको देखते हैं? संगम युग में
जो बच्चे सम्मुख आते हैं बस उनको देखते, बाकी बाबा कोई स्वर्ग को नहीं देखते। तो बिगड़ शरीर देख कैसे सकूंगा? ऐसे नहीं है कि जहाँ तहाँ मौजूद हूँ सब कुछ देखते हैं, नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, क्योंकि बाबा शरीर लेते हैं संगम युग में, लोन का ही भले लेकिन लेते हैं संगम युग में, और संगम युग में भी बाबा के सम्मुख सिर्फ बच्चे जाते हैं, तो बाबा सिर्फ बच्चों को देखते हैं। आप विचार करके देखो कि हम वो जीव आत्माएँ हैं जिन पर शिव बाबा की दृष्टि पड़ती, नज़र से निहाल कहते हैं ना, तो बाबा सिर्फ हम बच्चों को इस संगम युग पर देखते हैं, इसीलिए हम नज़र से निहाल होते हैं, हम सत्युगी देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते कि देखते हैं सिर्फ तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर तो भक्ति का है ना, बाबा कहते बाबा का अक्षर योग नहीं है, बाबा तो कहते आत्मा अपने बाप को याद करे। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु माना मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सच खंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सच खंड था, भारत कैसा था? स्वर्ग था, सच खंड, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, सच खंड सतगुरु स्थापन कर रहे हैं और बाबा हमें श्रीमद दे रहे हैं, जिस पर सच्चाई से चलने से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठी था, वो सब छोड़ना पड़ेगा, है ना, झूठी मान्यताएं, झूठे संकल्प, झूठी चलन, है ना, जो भी श्रीमत के सम्मत नहीं थे, सत्युगी नहीं थे, आसुरी थी, वो सब कुछ करते थे। अब सच्चा रहना पड़े, पवित्र बनना पड़े अंदर बाहर। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शनल है, पाना चाहते हो स्वर्ग में ऊंच पद तो सच्चा बनो। भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, 1 से 33 करोड़ सब जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुक तो करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, इसलिए हमें बाबा की एक एक डायरेक्शन पर अटेंशन देना। आज मुख्य बात बाबा क्या कह रहे, अंदर बाहर सच्चा होना, सच्चाई के आधार से ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते राजधानी ना तो सत्युग में स्थापन हो सकती ना कलयुग में, क्योंकि बाप सत्युग या कलयुग में नहीं आते हैं, बाबा स्थापना करने वाला बाप, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, स्थापना पालना विनाश के का कर्तव्य करने वाला बाप कब आते? संगम युग पर। तो संगम युग पर राजधानी स्थापन होती। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग, क्योंकि यही मनुष्य के देवता बनने का युग है। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सत्युग आना है, इसीलिए संगम युग भी ज़रूर चाहिए। बाप ने बताया है ये पतित पुरानी दुनिया है, गायन भी है दूर देश का रहने वाला आए देश पराए। तो पराया देश माना पतित दुनिया में बाबा आते हैं परम धाम दूर देश से। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं, है ना, फिर बाबा आकर हमें अडॉप्ट कर अपना बनाते हैं।
उनको अच्छी रीति समझाते हैं मैं किस में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो हर बच्चा रावण राज्य में है। फिर बाबा आकर समझा समझा कर बच्चे बनाते हैं, अपना भी परिचय देते हैं और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है ना? तो बाबा फिर परिचय देकर समझा कर रावण की जेल से छुड़ाते हैं। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं हो। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, इसलिए हमारे लिए श्रीमद् क्या है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है ना? ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों पर अटेंशन कब तक रखना है, जब तक पूरे फरिश्ता ना बन जाए। जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फरिश्ता बन जाएंगे, जब तक साकार देह में है माना संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्मतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उनों को फरिश्ता कहा जाता है। तो हमें पुरुषार्थ करते करते बाबा जो एक एक श्रीमत रोज़ अंडरलाइन कराते हैं, हर बात पर अटेंशन देते देते ऐसा फरिश्ता बनना है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं, याद की यात्रा और ज्ञान से, है ना? ज्ञान जितना बुद्धि में धारण होता, बाप और वर्षे को याद करते तो स्वर्ग इमर्ज होता जाता। भक्ति में ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर बाजुली खेलेंगे, है ना? फिर जो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही ब्राह्मण फिर देव सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, तो ये बाजुली माना जैसे गुलाटी मारते हैं ना, ऐसा ये चलता है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं, है ना? बाबा कहते दुनिया में जो विराट रूप बनाते हैं उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं दिखाए, सिर्फ देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाए। लेकिन बाबा ने जो विराट रूप बनवाया नक्की झील के सामने म्यूजियम में, विराट रूप का यथार्थ चित्र है, जब भी मधुबन जाएं तो देखें, तो उस चित्र में ब्राह्मण चोटी और शिव बाबा भी दिखाए गए। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं ये तो कोई जानता नहीं, अब शूद्र से देवता कैसे बने? तो पहले तो बाप ब्रह्मा तन में आए, ब्राह्मण रचे, फिर उनको सतगुरु सच्चा बनाए, पवित्र बनाए, तब तो देवता बने। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, क्योंकि हम ईश्वरीय रचना बनते हैं, मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण। जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं, बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, पहले तो अडॉप्ट करते हैं, फिर पवित्र बनाते हैं, पढ़ाते हैं, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है ना, पहले बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं, नशा चढ़ाते हैं कि हम ब्रह्मा मुख शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले तो ऊंचे स्वमान में स्थित करते हैं, फिर ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं और बनाते हैं। और बाबा कहते हैं पढ़ाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि नई पढ़ाई है, और कितनी भी नई पढ़ाई पढ़ाएं तो भी नंबरवार बुद्धि में धारण होती है, क्योंकि राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो, नई दुनिया कौन रचेगा, बाप ही रचेगा, ये भूलो मत। माया तुमको बुलाती है, उनको उनका तो धंधा ही ये है। सोचो राजधानी स्थापन हो रही है,
कल्प कल्प की तकदीर भाग्य विधाता लिख रहे हैं और माया हमें किन चक्करों टक्करों में फंसा देती है। तो माया का तो धंधा यही है, कल्प कल्प ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। याद करने बैठेंगे तो माया और काम ऐसा लगेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वो बाप की याद बिगड़ साफ हो ना सके। इसलिए बाबा कहते माया से सावधान होकर संगम युग का एक एक सेकंड बाबा की श्रीमत पर और याद में सफल करना है। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंछते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। बाबा कहते शब्द ही डिफ़िकल्ट चुन लिया तो कार्य डिफ़िकल्ट हो गया। सोचो बाबा को याद करना है मुझ बच्चे को। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं ना, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। आज बाबा जैसे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करा रहे हैं, जैसे आसमान है ना नीला, ऐसे वहाँ लाल प्रकाश के आकाश में छोटे छोटे आत्मा स्टार निवास करते हैं। वो है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो, है ना। हम आत्मा छोटा रॉकेट है, क्योंकि यहाँ आए हैं पाठ बजाने, फिर एकदम उड़ के जाएंगे परम धाम। तब बाबा कहते पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, है ना। आत्मा का ज्ञान मिलने से आत्मा का रॉकेट स्वरूप वापस आ जाता, आत्मा जो उड़ना भूल गई थी फिर से प्रारंभ हो जाता। वो तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते परंतु आत्मा को भी नहीं जानते, क्योंकि बाबा को जानने से आत्मा को ज़रूर जानेंगे, और जब बाबा को भूलते हैं तो स्वयं को भी भूल जाते। क्योंकि बाप को जानना माना अपने स्वरूप को जानना, हम कैसे हैं, बाबा जैसे ही तो हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते, है ना। यही कहेंगे कि ये कुदरत है कि हर एक आत्मा के अंदर भिन्न भिन्न 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है, हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नूंद है, है ना। कितनी वंडरफुल बातें बाबा आकर बताते। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है, है ना। कहीं से तो बालक जन्म लेगा ना, ऐसे थोड़ी पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आएगा। ये तो बेकायदे हैं, महाप्रलय कभी होती नहीं। बाबा कहते महाप्रलय नहीं होती, परिवर्तन होता है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक सद्धर्म स्थापन होता, फिर कल्प बाद फिर से अनेक धर्म, फिर उससे एक धर्म की स्थापना। इस समय मुख्य तीन धर्म हैं। ये ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है, है ना। जितना फर्क रात और दिन में होता उतना पुरानी दुनिया और नई दुनिया में फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। अभी बाबा हमें, है ना, जैसे बाबा कहते देखोगे तुम इन आँखों से कल, लेकिन बुद्धि के नेत्र से बाबा दिखाते हैं, समझाते हैं। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाबा कहते तुम देवता कुल के हो तो तुम अपने धर्म की स्थापना करते हो, और जब देवता धर्म आता है तो शुरू में ही 9 लाख होते हैं,
बाकी धर्म में तो एक धर्म स्थापक आता, एक से दो, दो से चार, ऐसे वृद्धि होती। लेकिन बाबा कहते यहाँ स्थापना अभी होगी और देवता धर्म जब आएगा तो इकट्ठे इतने सारे देवता होंगे। बाप कहते तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे, मोस्ट बिलवड बाप है ना। कहते मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूँ, याद भी मुझ एक को करते हैं। कोई भी देखो दुनिया में नियम है, दुख देने वाले को याद नहीं करते, सुख देने वाले को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते गॉड इज़ वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है, ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है। बाबा कहते रचयिता भी एक है और बाबा की रचना भी एक है, ये चक्र भी एक ही है, ऐसे नहीं आकाश में एक दुनिया, पाताल में एक दुनिया, ऐसा नहीं। आकाश में तो स्टार्स हैं, मनुष्य तो समझते एक एक स्टार में भी सृष्टि है, कहाँ मार्स वार्स पे भी ढूंढते रहते हैं ना, नीचे भी दुनिया है सोचते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें, ऊंचते ऊंच भगवान एक है। कहते भी है सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है, ये जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। कहाँ, परम धाम में, परम धाम में सारे सृष्टि की आत्माएं एक माला में पिरोई हुई है, सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। ये भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे, है ना। बाबा कहते इसमें बाबा का पढ़ाने का भी महत्व है, हमारे पुरुषार्थ का भी है, लेकिन पाठ भी है, पाठ के आधार से भी तीखे जाते हैं। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते भक्ति का फल भगवान देते हैं, तो बाबा कहते भक्ति का फल भगवान देते हैं वो है ज्ञान का सागर, तो भक्ति का फल भी क्या है, ज्ञान। तो ज़रूर ज्ञान से ही फल देंगे, भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है, है ना। अगर किसी को पूछे आज सर्वे कराएं भक्ति का फल क्या है, तो समझ थोड़ी सकेंगे कि ज्ञान और ज्ञान के द्वारा सदगति नहीं समझेंगे। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है, तो फल देते हैं अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप, है ना। फल और फलदाता दोनों का परिचय सबको मिलना चाहिए। भक्ति तो सभी करते हैं लेकिन भक्ति से मिलता क्या है, और फिर देने वाला कौन, दोनों का परिचय नहीं। रावण का भी किसको पता नहीं है, है ना। रावण को तो अपना मित्र समझकर कैसे विकारी चलन खुशी से चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वो हिसाब नहीं लगा सकते, है ना। पुरानी दुनिया कब से हुई, फिर उससे पहले नई दुनिया कब से कब तक थी, कोई हिसाब नहीं है। बाबा कहते 5,000 वर्ष का पूरा हिसाब मैं देता हूँ, आधा कल्प नई दुनिया आधा कल्प पुरानी। तो बाबा कहते हैं कि बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है वो कभी विनाश नहीं होता, उनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाबा कहते बाप भी सत्य है और ये झाड़ भी सत्य है ना। परम धाम में भी झाड़ है उल्टा झाड़, और यहाँ सृष्टि में भी जीवात्माओं का झाड़ है। बाप ऊपर में है, आत्माएं ऊपर को देख बुलाती हैं, शरीर तो नहीं बुला सकता। बाबा कहते उल्टे झाड़ में, परम धाम में जो झाड़ है आत्माओं का वो उल्टा झाड़ है, क्योंकि पहले बाबा है फिर आत्माएं हैं, बीज ऊपर है अब फिर आत्माएं उस बाप को ऊपर देखकर बुलाती हैं। कहते हैं ना ऊपर वाला, तो वो कौन है, परम धाम निवासी बाप। फिर बाबा कहते हैं शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा को बाबा ने सुख दिया, दुखों से निकाला, तो आत्मा को स्मृति आती है दुख के समय और बाप को पुकारती है।
आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है, ना ही कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है ना। आत्मा बस सतो प्रधान से सतो रजो तमो तमो प्रधान, फिर संगमयुगी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, बाकी कोई घटती बढ़ती नहीं है आत्मा। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है, आस्तिक भी बनाया है ना। बाबा ने हमें रचयिता रचना का नॉलेजफुल बनाया। ये भी बताया है कि लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं है। बाबा लक्ष्मी नारायण को क्या कहते, रॉयल बुद्धू, है ना, सब कुछ होगा पर ज्ञान नहीं। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना तो बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को और न ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो, है ना, अपने बाप को ना जाने, जो पाठ बजाते हैं जिस नाटक में उस नाटक के आदि मध्य अंत को ना जाने। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा बनने से बाबा छुड़ाते हैं, आस्तिक बनाते हैं। वहाँ ये बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती है वो फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती, है ना। जैसे दिन में भी सुबह दोपहर शाम रात सब अलग अलग होते हैं, ऐसे इस खेल में भी सतयुग में जो है, फिर द्वापर युग से जो होता, संगम युग में जो होता, सब अलग अलग। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है ना, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो पास्ट हुआ फिर चक्र फिरता जाएगा, है ना, क्योंकि चक्र कैसा है, जो पास्ट है वही फ्यूचर बन जाता, फिर पास्ट पे पास्ट जो एक सेकंड पास हुआ वही फ्यूचर में आएगा फिर से। जैसे बायोस्कोप होता है ना, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बायोस्कोप हूबहू रिपीट होगा, ऐसे ये चक्र भी है। मकान आदि तोड़ डालते हैं फिर देखेंगे बना हुआ है, जब फिर से मूवी रिपीट होती है वही हो बहू रिपीट होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है, क्योंकि इस समय हम संगम युग पर हैं और संगम युग पर हमारा सारा लेन देन किससे है, बाबा से। बाबा के द्वारा ही हम स्व को भी जानते, चक्र को भी जानते, वर्षा भी लेते। आत्माई परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। अलग होती हैं यहाँ आती हैं पाठ बचाने, है ना, बहुत काल मतलब 5000 वर्ष अलग रहती। आत्मा परमधाम से आ जाती पाठ बचाने तो 5000 वर्ष तक बाबा से अलग रहती। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो, तुम मीठे बच्चों को ऑल राउंड पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं, है ना, क्योंकि ऑलराउंड पार्ट वाले ही ज्ञान धारण करेंगे, ये नियम है। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो, सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही ऊंच पाएंगे, है ना। ये बाबा ने आज पूरा नियम स्पष्ट कर दिया। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, व्यभिचारी बन जाते। सीढ़ी के चित्र पर आओ, कैसे भक्ति भी एक से लेकर अनेकों की करने लगते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वो फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अभी बाबा बेहद का सत्य बुद्धि में बिठाते, फिर द्वापर युग से हम बेहद के अज्ञान में चले जाते। पत्थर टिक्कर पता नहीं किस किस में क्या भावना रखते। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। बाबा कहते मूल बात ये है, सारी बात समझने के बाद ओना किसका होना चाहिए कि हम एक बाप को याद कर वर्षा लें। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं ना, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। देखो पश्चाताप तो वही करता है ना जिसको मालूम है कि भूल हो रही है, लेकिन फिर भी करता है, ये बड़ा वंडरफुल है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही
सब कुछ रियलाइज़ करते भी याद नहीं करेंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। यहाँ भी ऐसे हैं, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है ना। भूलें करते करते अभूल बनेंगे, सदा एक आत्मा समझ एक बाप की याद में रहेंगे, तब उस दुनिया में जाएंगे जहाँ 2 युगों तक भूले नहीं होंगे। अभी तुम बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वो है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो ज़रूर बच्चों के लिए सौगात तो ले आएंगे ना, है ना। बाप तो जब भी आते हैं तो सौगात लाते हैं बच्चों के लिए, तो बाबा भी 5,000 वर्ष बाद आते हैं तो अपने बच्चों के लिए सौगात लाते हैं। हथेली पर बहिष्त सौगात में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हथेली पर क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे हम बहिष्त के अधिकारी बन जाते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही ले लो। सिर्फ बाप को जानो, है ना। बाप को जान जाए कि बाप है तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मैं याद नहीं कर सकता। छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं कहता कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता। सभी आत्माओं का बाप तो है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कैसे आता हूँ वो भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। कौन सा रथ? तो कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। बाबा ने कहा ना, बनेंगे तो वही जो बहुत काल से भक्ति करते आए और जो आदि से ऑलराउंड पाठधारी है। महात्मा तो अभी अभी आने वाले होते हैं तो उनका तन थोड़ी लेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो उसका तन लेता हूँ जो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में है। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, झाड़ के चित्र में अंत में खड़े हैं। तो ब्रह्मा तो कलयुग का हिस्सा है ना, जबकि झाड़ सारा तमोप्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। है ना, बाबा कहते हैं मैं तो लौकिक जीवन में धंधे आदि में व्यस्त था, बाबा ने छुड़ाया, मैंने खुद थोड़ी छोड़ा। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, इसको अंडरलाइन करना है ना। देवताएं तो लिखते नहीं ना पढ़ते हैं। जब देवता होते हैं तो भक्ति पूजा शास्त्र कुछ नहीं होता। सत्युग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं है। शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है ना। करना क्या है, बनना क्या है, वो नहीं लिखा हुआ वहाँ। ये वो यहाँ वो बात है नहीं, यहाँ तो बनना क्या है की बात है। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो, बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज़्यादा हम मानते हैं। हमने तो 2 युगों तक पढ़े, शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है तो फिर हम भक्ति को क्या करेंगे, है ना। बाप कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। इविल माना जो भी रावण राज्य का है, उसको ना देखो सुनो ना, है ना, ना बुद्धि में चलाओ। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वो कहते अल्लाह हूँ। बाबा कहते अल्लाह नहीं, आत्मा हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, है ना। अल्लाह नहीं, अल्लाह का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। दे अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। जब बाप को भूलते हैं तो फिर दे अभिमान आता है,
माया अंगूरी लगाती है, संगमयुग का सेकंड संकल्प वेस्ट होता है, और बनने के समय पर इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्की लधे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंछना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सूक्ष्मतन वासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान है ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय रस के अनुभवी बन जाते उनको और कोई रस आकर्षित नहीं करता। आकर्षण विकर्षण से उपराम ऐसी आत्मा एक रस स्थिति में रहे एक बाबा की याद में श्रेष्ठ आत्मा बन जाते। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं, लेकिन ईश्वरीय रस अनुभव करने के लिए ईश्वरीय श्रीमत पर चलना पड़े, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट करता वही एक्सपीरियंस करता। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थिति बना देती है, क्योंकि बाबा से तो सब कुछ मिलता, फिर भटकन बंद हो जाती। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ है। स्लोगन है किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। समाने की शक्ति का चित्र याद करें, है ना, सारा किचड़ा आकर सागर में समाता है और सागर उस सारे को समाकर भी स्वच्छ रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा बनना है मास्टर सागर, जितना बाबा की याद में रहेंगे बाप समान बनेंगे, तो ऐसे बन जाएंगे कि पुरानी दुनिया में रहते सारा किचड़े के बीच रहते भी उसके प्रभाव से मुक्त रहें और अपने अंदर जो रत्न छिपे हैं वो रत्न अन्यों को भी दान करने वाले बन सके। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 9 जुलाई 2024 के अव्यक्त इशारे। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के कारण आपके सामने परीक्षा के रूप में भी आए, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार से एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल का संस्कार व स्वभाव धारण कर लो तो यही उपकार है, यही उपकार करना है। बाबा कहते वो भले ही परीक्षा के रूप में आए, माना विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन आप उनको ना देखकर आप बाबा की याद से अपने श्रेष्ठ संस्कार के आधार से उनके प्रति भी रहम भी दृष्टि रखो, इसी को कहेंगे परोपकारी बनना। अच्छा, ओम शांति।